हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आज के वीडियो में बात करने वाले हम HBL पावर सिस्टम्स कंपनी के शेयर के बारे में कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्या राय है एक्सपर्ट की, सारी बातें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्या टारगेट के लिए इसमें इन्वेस्ट करना सही है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, सारी बातें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले 5 डे की बात करेंगे हम, तो 5 डे में स्टॉक काफ़ी डाउन गया है, मतलब काफ़ी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन जब इसकी ओपनिंग थी ना पिछले 5 डे में, तो काफ़ी शानदार इसकी ओपनिंग थी। ओपनिंग के बाद दोस्तों स्टॉक काफ़ी डाउन चला गया, मतलब अब भी स्टॉक 220-230 रुपये के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिल रही है इसमें। तो अब क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, एक तो गिरावट हो रही ना, उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपको ये शेयर शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम दोनों के लिए काफ़ी शानदार इसका मार्केट में परफॉर्मेंस करता है शेयर। जो भी आपका लॉस हो रहा है, लॉस से ये शेयर बहुत जल्द रिकवर करवा देगा, काफ़ी बढ़िया शेयर है ये। बात कर कल टारगेट, कल दोस्तों ओपनिंग होती है इसकी अपर सेकंड में, तो कल 478 के आसपास की आपको प्राइस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर दोस्तों स्टॉक डाउन जाएगा ये, तो 438-48 के आसपास की प्राइस आपको देखने के लिए मिल सकती है। धन्यवाद।